खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर अब कोई और हलका ढूंढ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जनता उनसे असंतुष्ट है। केंद्र प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है सुरजेवाला ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोई नया हलका ढूंढ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों में तालमेल नहीं है, जनता खुश नहीं है, यह आरोप लगाया है रणदीप सुरजेवाला ने। करनाल पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने बातचीत की मीडिया से और निशाना साधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उनके कैबिनेट से, उनके मंत्रियों से तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से अब वो कोई और हलका ढूंढ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। जन आक्रोश रैली में पहुंचे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जमकर निशाना साधा केंद्र और प्रदेश सरकार पर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर कोई नया हलका ढूंढ रहे हैं जहां से वो चुनाव लड़ सके। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच आपसी तालमेल की कमी है, तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी नुकसान भी होगा, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश भी है। कोई और हलका ढूंढ रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ताकि वो चुनाव लड़ सके। करनाल पहुंचे थे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए जमकर निशाना साधा केंद्र और प्रदेश सरकार पर। कमल मिड्डा जुड़ गए हैं करनाल से। कमल, जमकर बरसे हैं रणदीप सुरजेवाला प्रदेश और केंद्र सरकार पर, साथ ही खट्टर के लिए यह भी कहा है कि ना तो तालमेल है अपने मंत्रियों के साथ, और साथ ही यह भी आरोप लगा है कि यह भी उनका कहना है कि कोई और हलका ढूंढ रहे हैं वो चुनाव लड़ने के लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आज रणदीप सिंह सुरजेवाला की रैली थी और करनाल की मीटिंग में थे, वह जनक्रोश रैली करने पहुंचे तो जमकर जो है निशाना जहां प्रदेश सरकार पर उन्होंने साधा, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी जमकर उन्होंने जो है निशाना साधते हुए किस तरह से कहा कि वह दूसरा हलका जो है तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2019 के लिए वह चुनावों में पूरी तरह से तैयार है और वह अपने घोड़े बांधते नहीं है, तो उस पर भी जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निशाना साधते हुए कहा कि उनके अस्तबल से जो है घोड़े ही भाग चुके हैं। तो जमकर निशाना साधा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जन आक्रोश रैली में, चाहे आज करनाल में पहुंचे थे कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के बाद, रैली करने के बाद समय मीडिया से रूबरू हो रहे थे। कांग्रेस अभी 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 से एकदम तैयारी कर रही है कमल 2019 के लिए, अभी से काफी आक्रामक नजर आ रही है लगातार सीएम खट्टर पर, प्रदेश की खट्टर सरकार पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर प्रहार किया गया, हरियाणा की सरकार पर प्रहार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो आने वाले समय में जरूर जो है कांग्रेस के लिए एक बड़ी जो परेशानी है वो खड़ी कर सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां एक अशोक तंवर का खेमा है वो रैलियां करते फिर रहे हैं और किस तरह से प्रदेश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वही दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा है, वे भी अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं तीसरा खेमा जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का पिछले करीब 3 महीने से हरियाणा में एक्टिव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 खेमे जो है हरियाणा में इस समय एक्टिव है कांग्रेस के, जो आपसी गुटबाजी का कहीं ना कहीं जो नुकसान है आने वाले चुनाव में इनको सहना पड़ सकता है। शुक्रिया आपका कमल मिड्डा इस खबर पर जानकारी देने।